उज्जैन जिले के नागदा में अखिल भारतीय परिवार द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आए डॉक्टर द्वारा नगर के रहवासियों के ब्लड की जांच से लेकर सभी प्रकार की बीमारियों का चेकअप किया गया, जिसमें लोगों को बीमारियों के बारे में भी जागरूक किया गया। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। करने के लिए लोगों के लिए जागरूकता पैदा करने का मुख्य उद्देश्य था और काफी लोगों को सहयोग मिला। सर, आप इस संस्था के क्या है? मैं संस्था का मुख्य प्रबंध ट्रस्टी हूँ। मतलब और संस्था मतलब आने वाले समय में ये संस्था और भी कुछ ऐसे प्रोग्राम करने मतलब कार्यक्रम करने बहुत अच्छा बड़ा उद्देश्य है। ये संस्था हमारी चैरिटी स्तर की है। जितने भी चैरिटी के स्तर के कार्यक्रम हैं, पर्यावरण, शिक्षा से, स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे हमारी विशेष 7 क्रांतियाँ हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, नारी जागरण, आस्था समर्थन, इसी के अंतर्गत हमको काम करना है। हमारी संस्था काम कर रही है, जिसमें आस्था संवर्धन में यज्ञ आदि जाति हवन पूजन और जाति के प्रति रुचि पैदा करना और अन्य ज्यादा जितने भी क्रांतियां हैं उनको सबको साथ में लेकर के, 7 क्रांतियां हैं, 7ों को लेकर के ये मिशन चल रहा है। तो आज स्वास्थ्य संवर्धन के अंतर्गत ये शिविर लगाया गया है और लोगों में जागरूकता पैदा करना, लोग तैयार रहें, उनकी मानसिकता को निर्माण करना, ब्लड डोनेट करना एक परम पुण्य कर्तव्य है, परम पुनीत कर्तव्य है, इसके लिए लोग तैयार हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए ही हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया। सर, आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएंगे? सर, मेरा नाम दुर्गा वक्ष सिंह वैश है और गायत्री परिवार में मुख्य ट्रस्टी के रूप में हूँ, लेकिन हूँ तो स्वयं सेवक। इसका लक्ष्य ये है कि हमारे देश में अधिकांश लोगों को उनका ब्लड ग्रुप ही पता नहीं होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना ब्लड ग्रुप जाने, प्लस ब्लड डोनेट करना और ब्लड डोनेट करने के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं उनके बारे में लोग जाने, और इस संदर्भ में हमने उनके ब्लड प्रेशर चेक करना, ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण करना और स्वास्थ्य के संबंधित अवेयरनेस आज कार्यक्रम रखा है, ताकि लोगों में ब्लड के डोनेट के प्रति जागरूकता हो, इसके महत्व को समझें और अपना नियमित चेकअप करा, इस बारे में हमने जानकारी। सर, अभी कितने पेशेंट चेक कर लिए आपने? आज लगभग 120 पेशेंट हम चेक कर चुके हैं। और ये गेम कब तक चलेगा? ये शाम को 4 बजे तक कंटिन्यू रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। उज्जैन